मुंबई के अंधेरी में 25 अप्रैल 2023 की रात इंडियन टेली अवार्ड्स 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें रूपाली गांगुली, गौरव खन्ना, आयशा सिंह और प्रणाली राठौर समेत टीवी के कई नामी गिरामी हस्तियों ने मौजूदगी दर्ज करवाई। कई स्टार्स ने जहां अपने फैशन का जलवा बिखेरा तो वहीं कई ने खिताब जीतकर अपना नाम भी रोशन किया। ऐसे में आपको भी बताते हैं कि आखिर इंडियन टेली अवार्ड्स 2023 में किस स्टार ने कौन सा खिताब अपने नाम किया है। बेस्ट कॉन्टिनिंग टीवी प्रोग्राम ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है राजन शाही के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ने। बेस्ट सिटकॉम ऑफ द ईयर शो की बात की जाए तो ये खिताब अपने नाम किया है भाभी जी घर पर है शो ने। इसके अलावा बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का खिताब जीता है रोहितांश कौर ने। तो वहीं बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल का खिताब अपने नाम किया है गुम है किसी के प्यार में की एक्ट्रेस किशोरी शाहनी ने। तो वहीं फेवरेट नेगेटिव लीड्स ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया है महक चहल और उडारिया के करण वी ग्रोवर ने। बेस्ट एक्टर इन लीड रोल का अवार्ड जीता है परविष्ट मिश्रा और सुमित राघवान ने। बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल हैं अनुपमा और अनुज। तो वहीं टीवी जोड़ी ऑफ द ईयर है हर्ष चोपड़ा और प्रणाली राठौर। बात की जाए टीवी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर की तो वो बने हैं शाहिर शेख। तो वहीं इंडियन टेली अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया है हर्ष चोपड़ा ने और फेवरेट एक्ट्रेस का खिताब अपने नाम किया है रूपाली गांगुली ने। तो वहीं आपको बता दें कि बेस्ट शो का खिताब अपने नाम किया है राजन शाही के शो और स्टार प्लस के नंबर वन शो अनुपमा ने। वर्ल्ड टीवी की कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस अवार्ड फंक्शन में अपने फैशन से तो खूब जलवे बिखेरे ही, वहीं ये बड़े बड़े अवार्ड जीतकर फैंस का भी खूब प्यार पा रहे हैं।